और इसके अलावा कोई कहने दो वक्त है नहीं जी। हाँ जी हाँ जी, एक्नी के वाले से तो मैं मरीजों को भगा देता हूँ, भाग जाए। ये खाते हैं शुवार में बर्गर, गर्म चीजें खा खा के ये दाने बनते हैं उम्र के साथ। अगर बच्ची छोटी उम्र की बेटी, जिस तरह ये मेरी बेटी बैठी है, मैं इसे कभी इससे सिम्टम नहीं लूंगा, मैं इसे कलकरिया फास्ट दे दूंगा और कलकरिया फास्ट से कभी मिस नहीं होगा। और हमारे साथी कलकरिया फास्ट देते ही नहीं है, आपके बहुत सारे केस कलकरिया फास्ट से इस हवाले से ठीक हो जाएंगे। और रेडियम ब्रोम अगर 200 में एक डोज दे दी जाए तो बहुत सारे केस आपके इस हवाले से भी ठीक हो जाते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं, छाइयों के हवाले से आपने कोलोफेलम देनी है 1 ml में, और ये सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली दवाई है। और अगर ऐसा पेशेंट आ जाता है जो बाज़ औक़ात इकबाल अनीफ साहब को देखें, इनके जो है ना ये पलम्बम मेट से ठीक होंगे, पलम्बम मेटेलिकम, और सिपिया वहाँ देंगे जहाँ मरीज सर्द मिजाज होगा। चेहरे के दानों के हवाले से बात हो रही थी, तो रेडियम ब्रोम अमल अंगेज के तौर पे देंगे 200 ताकत में, हर 15-20 दिन बाद, रोज़ाना नहीं देना है, और ये अक्सर काम करती है। और बच्चियों जो कि ज़्यादा परेशान होती है छोटी बच्चियों के हवाले से, ये कलकरिया फास ये मिस नहीं होती और कभी भी मिस नहीं होती, ये अक्सर काम कर जाती है। चेहरे के बालों के हवाले से ज़्यादातर केस आपको नैट्रोम्योर में मिलेंगे, यहाँ प्यास और गर्मी होगी, जहाँ प्यास नहीं होगी वहाँ पल्सटिला थूजा दे देंगे साथ, इसके साथ 1 ml, और ये 7-8 माह में केस आपके क्लियर हो जाएंगे। जी और कोई सवाल? डॉक्टर जहांजेब साहब कह रहे हैं कि फालज के हवाले से, अच्छा फालज के हवाले से डॉक्टर साहब आपको बड़ी अच्छे 2-3 चीज़ें तरतीब लगा दूंगा, चाहे फालज कितना पुराना क्यों ना हो, इंशाल्लाह आप उसे बड़ी आसानी से ठीक करने के काबिल हो जाएंगे। फालज का मरीज मेरे पास जब भी आता है, मैं उसे पूछता हूँ कितना अर्सा हो गया फालज को, वो कहता है जी 10 साल हो गए। मैं कहता हूँ वापसी पे 4 साल लगेंगे, 10 साल आपने सफ़र किया है, वापसी पे आपको 3 साल 4 साल लगेंगे। अगर आपको जल्दी है तो जल्दी है तो लगे रहें फिर वही जल्दी में, 10 साल आपने पहले ज़ाय कर दिया और कर लें ज़ाय जितने करना चाहें। अगर फालिज का मरीज आपके पास आता है, मेरे पास मेरे क्लिनिक पे, ना तंग करो, साढ़े स्पीकर तो ना छेड़ो यार जी। फालज अगर मैंने, डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे केस दर्जनों में हैं जो आधे घंटे और घंटे में मरीज ठीक हुआ है, मरीज को फालज हुआ है, आप 2-3 खुराकें एकोनाइट 1 ml की 10-10 मिनट के बाद दे दें, उसके बाद कास्टिकम कालीफास मिक्स आधे आधे घंटे बाद 3-4 खुराकें दें, मरीज चल पड़ेगा उसी। ये मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ, सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। मरीज को गाड़ी पे लेके आए, उठा के लेके वापसी चल के गए, और ये एक आध नहीं है, ये दर्जनों में है ये केस। और फालज यकीन जानिए मेरे पिछले 8-9 माह से इतना मरीज ठीक हुआ है ना, मेरे पास डेली 8-10-15 केस तो फालज के ही होते हैं, और मैंने इसकी तरतीब चेंज की है क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर मजदूर बच्चे एक बड़ी तादाद में ठीक हो चुके हैं, और वो मेरे पास बहुत ज़्यादा केस है सीपी चाइल्ड का, और मैं 8 से 10 हज़ार बच्चों का इलाज कर चुका हूँ। अच्छा मैंने इस पे गौर किया कि ये जो माजूर बच्चे हैं ना, ये जब चलना शुरू करते हैं आवाज़ में लड़खड़ाते भी हैं, और इनके लिए उठना बैठना मुश्किल होता है, तो फालिज में यही तो होता है। मैंने फालिज में एगेरिकस लगाना शुरू कर दी 1 ml में हर 4 रोज़ बाद, और एक खुराक कास्टिकम की, एक कालीफास 200 की डेली देने से। डॉक्टर साहब आपको मज़ा आ जाएगा, आज से जाके शुरू कर दें, आपका फालिज का केस नहीं फंसेगा। और मेरे पास ये साथी अक्सर आते रहते हैं, यकीन जानिए 10-15-20 केस होते हैं, मैं उनको बताता हूँ यार ये देखें फालिज वाला, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, और फालिज में फेल ही नहीं हो गया। हाँ अगर किसी और दवाई की अलामत गालब हैं तो आपको उस तरफ जाना होगा, अगर केस फंस रहा है तो आपको मियाज़म की तरफ जाना पड़ेगा, ये ना यहीं ब्रेकें
हैंड ब्रेक नहीं खींचनी किसी एक दवाई पे, सिम्टम को नजरअंदाज नहीं करना, मियाज़म को नजरअंदाज नहीं करना, कभी नाकामी नहीं होगा और आप मंजिलें तय करेंगे और आप होम्योपैथी को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि मेरे मेहमान, मेरे दोस्त होम्योपैथिक अलायंस के हवाले से मैं इससे पहले डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो मुख्तसर थोड़ी सी 2-3 मिनट के लिए दोबारा दोहरा देता हूँ अपनी बात को। 2-4 साथी नए भी आए हैं,